शामली के कैराना के रहने वाले करीब 2.5 फुट के अजीम की शादी हापुड़ जनपद की रहने वाली करीब 3 फुट की बुसरा से तय हुई थी, जिनके निकाह की तारीख अब तय हो गई है। दोनों का निकाह 2 नवंबर को हो जाएगा, जिसको लेकर अजीम की ससुराल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बुसरा के परिवार वाले कपड़े, जूते, चप्पल और अन्य सामान खरीदकर अपने घर ला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले कैराना के रहने वाले अजीम को 1.5 साल पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें अजीम ने थाने में जाकर गुहार लगाई थी कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसके बाद उनके पास काफी रिश्तों की लाइन लग गई थी। वहीं मोहल्ला मस्जिदपुर के वार्ड मेंबर हाजी अयूब ने देखा कि अजीम के लिए बुसरा का रिश्ता ठीक रहेगा, तो उन्होंने कैराना में कर दोनों का रिश्ता तय कर दिया। तो आपको कैसे पता चला था कि वहाँ पे वो रहने वाले हैं? हाजी अय्यूब जी ने बताया, मेंबर साहब ने और शायद मंसूरी ने, वो ही दोनों बीच में हैं शादी के, इन दोनों ने बताया था हमें आके, हमें पता नहीं था, उनकी वजह से ये रिश्ता हुआ है। वही लेकर गए थे पहली बार हमें वहाँ पर, वहाँ जाके देखा बहुत अच्छे लोग थे, वो सब कुछ हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने शादी तय कर दी। नंबर सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी अय्यूब, वार्ड नंबर से वर्तमान में मैं सभासद हूँ यहाँ का जी। तो आपने निकाह तय कराया था, किसका निकाह था, क्या ये निकाह इस तरीके से तय हुआ है? अब से 1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल था, हमने देखा मोबाइल में कि अजीम मंसूरी हैं कैराना के, और उनका वीडियो देखने के बाद में हमारे यहाँ मोहल्ले की एक लड़की बुशरा है, हमारे यहाँ को सामने वो आती जाती थी, वो हमने देखा भाई इससे रिश्ता बेस्ट नहीं रहेगा कि छोटी ये है, छोटे कद का वो है, और हमने दोनों को देखकर कर हमारे पार्टनर शाहिद मंसूरी साहब है। क्या नाम है? आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी है, क्या कर रहे हैं? ये हमारी बुसरा अजीम की शादी निकाह के लिए तैयारी हो रही है, और हम अच्छा लग रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी बच्ची की पहली हमारे घर में शादी है अभी, और हम चाहते हैं प्रसाद।